What are we going to learn today in this podcast? For today, we'll be talking about stock options. Future में अगर कल की बात करें जो गया कल बीत गया और तो सिंपल एक इंस्ट्रूमेंट है और हम सबको पता है कि 3000 लॉट का ओआई बिल्ट हुआ है। यहाँ एक 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 चीज है ना जो बहुत लोग फेल टू नो कि क्या हो रहा है। अगर आप देखो चलो ठीक है लोग पीपल 5000 लॉट का ओआई खड़ा 3000 लॉट ऐड हो गए हैं। यहाँ पर 3000 ऐड हुआ पॉसिबली कहीं पर यू नो आगे और बचा होगा या यहाँ पर कुछ अनवाइंडिंग होगा। देयर आर यू नो so we have to see this in a totality. I mean, I cannot see just one strike, two strike, or just you know come to a decision. So, जब मैं stock option की बात करूँ, तो data को पहले structure करना होता है। हम structure कैसे करें data? That's why I'm saying outrageous. If you go and see an average number of lot traded by Maruti per their call on put side is hardly 500 to 600 lot per day. Yes. Now compare this 600 to 30,000 and that's too much. So I go by the anticipated volatility. Okay, because I'm an option seller in ATX. Anticipated volatility. हाँ, मारुति का ATM option IV देखो तो 23. Is 23 is high or is 23 is low? क्योंकि इसका कोई जवाब नहीं है. Even 10 can be high or 100 can be low. तो उसका एक ही जवाब है. अगले महीने की एक्सपायरी को भी जाकर देखो तो 2% ही है टोटल प्राइस का। सो जब आपका ऑप्शन ही 2% मिल रहा तो इट्स अ लिक्रेटिव एनफ टू शॉर्ट ऑप्शन राइट। तो भी एक बार देखना पड़ता कि यार आप सोचो अगर मान लो कि स्टॉक है 1000 रुपए का और ऑप्शन 20 रुपए मिल जा रहा तो वो लिक्विडिटी नहीं है जस्ट अबाउट 2% ऑफ द प्राइस राइट। तो वो अगर बहुत डर्ट चीप है तो भी ऑप्शन सेलिंग नहीं होता है। अब मेरा एक क्वेश्चन और है आपसे इसके ऊपर ठीक है बोलिए। हमारे नॉर्मल व्यूअर्स के पास इस चीज को बनाने का तरीका क्या है इस डाटा को बिकॉज एक भाव कॉपी के अंदर 2 या 3 लाख के करीब डाटा होता है लाइंस का। हाउ कैन ही मेक दिस डाटा फॉर हिमसेल्फ। So good morning guys, today we have with us Mr. Rajesh Srivastava. He is an F&O trader. He has experience of more than 20 years and he has been in this market for a long time. So I can say that he is a veteran in the stock market. Today he is going to teach us about stock options data and how we can interpret it to take our trades. So welcome Mr. Rajesh. What are we going to learn today in this podcast? I want to hear it from you. Thank you, Rohit ji, for inviting me to your show. I have seen a few of your videos. I actually liked it. And for today, we'll be talking about stock options. I mean, I see a lot of videos are available on the YouTube for people to go through on the index trading, index options. But very few videos are there on the stock options. And, you know, I feel we should also diversify our trades, in stocks. I mean, always I'm a big advocate of diversifying strategy, diversifying instrument, diversifying exchanges even. So stock is another area where one can look into and then make little more trades than only concentrating on the index. Okay, so let's start. Okay, over to you. ओके तो रोहित जी देखो जब मैं स्टॉक ऑप्शन की बात करूं तो स्टॉक ऑप्शन में कंपेयर टू फ्यूचर देयर इज अ चैलेंज। नाउ व्हाट इज द चैलेंज लेट मी शो यू। फ्यूचर में अगर कल की बात करें जो गया कल बीत गया तो सिंपल एक इंस्ट्रूमेंट है और हम सबको पता है कि 3000 लॉट का ओआई बिल्ट हुआ है। मतलब 3000 लॉट के मोटे मोटे तौर पर काम हुए हैं लॉन्ग या शॉर्ट वो डिफरेंट टॉपिक है पर इतना काम हुआ है। नाउ चैलेंज विद द स्टॉक ऑप्शन इज There are multiple strikes, ठीक है? और यहाँ यहाँ एक 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 चीज है ना जो बहुत लोग फेल टू नो कि क्या हो रहा है। अगर आप देखो चलो ठीक है लोग पीपल 5000 लॉट का ओआई खड़ा 3000 लॉट ऐड हो गए हैं
यहाँ पर थिंग्स ऐड हुआ पॉसिबली कहीं पर यू नो आगे और बिचा होगा या यहाँ पर कुछ अनवाइंडिंग होगा. देयर आर यू नो सो वी हैव टू सी दिस इन अ टोटलिटी. आई मीन आई कैन नॉट सी जस्ट वन स्ट्राइक टू स्ट्राइक और जस्ट यू नो कम टू अ डिसीजन. तो जब मैं स्टॉक ऑप्शन की बात करूं तो डेटा को पहले स्ट्रक्चर करना होता है. हम स्ट्रक्चर कैसे करें डेटा को? ओके सो वी हैव सो सी देयर आर फ्यू डेटा व्हिच इज बाय डिफॉल्ट अवेलेबल बाय एक्सचेंज. सो लाइक if you see 82,600 lots of the call side is visible to me. I know total trade on the call is 82,000 and put on the put side is 29,000. But now the problem here is these 82,000 calls include the call traded say about a month back, 2 months back, and even 3 months back. Yes. Now our market always react to the current situation. They don't even care about what happened a week back. I mean, you see today they're everyone talking about, you know, Iran is getting into a fight with Israel. 2 weeks pehle kya sirna diye to we don't even remember that. Forget about, you know, uska impact on the market, right? So this data is good, but it is not serving the purpose which we want. What we need, aaj kya ho raha hai? What is happening today? Okay. And I've seen these people using PCR, you know, using this total outstanding. And then I'm not saying that is wrong, but then I have my questions on to that. Okay, what is the point calculating something which was taken care, I mean, which was executed 6 months back? I mean, 3 months back. Options are about 3 months back only. So, okay, so I'm going to use the data which is getting, you know, formed currently. So the next question is, okay, isko kya karna hai? So first thing we'll do is to summarize entire option chain ka change. So let me show you, Rohit, since it is a Maruti, you know, option chain. So let's see if we summarize Maruti, what happens to how does the data look like? Okay. So this is Maruti data and these are future data. Since the topic today is stock options, what I'm going to do, I'm going to hide future. Okay. So, okay. You know, people don't get confused with so much of data. So now, if you see, total put open interest is about, 15,32,000. And then what happened yesterday? So actually put maker, you know, unwinding ho raha tha. So let's go here again. So if you see, there were a lot of unwinding, okay, 1100 lots, 400 lots. So there were a lot of unwinding put me. So again, at aggregate level, it does not, you know, ring the bell. So what I have done, I have extrapolated that in terms of lot. So now I know one thing is there are 1,000 lots of put unwinding, right? Theek hai. Now, is that only data I'm going to chase? No, I'm not going to chase that only data. I'm going to see, okay, put ke samne call me kya, right? So what I could see, this where is the put writer or put buyer. I mean, that's something buying or selling of the options. Okay. But in case, I'll assume it to be a seller. Let's take an example. So 1400 lots of seller has gone away. It feels there is a chances that the market, whatever price they are, the money they are making or they have to give back. Okay. But yes. So at this point, but then assume it is a selling of options. Okay. तो 1100 लॉट के पुट राइटर सो लेट्स नो कोलोकियल वर्ड भाग गए, ठीक है. बट देन व्हाट हैपेंड ऑन द कॉल साइड, यू सी ऑन द कॉल साइड देयर आर 30,700 लॉट गॉट एडेड यस्टरडे. सो कैन आई से यू नो दिस इज एन आउटरेजियस रेशियो, नियरली अबाउट 1:30 का रेशियो. कैन आई से नॉट अ ब्रेक? नहीं, ठीक है, अब चलिए, कोई ऐसा बड़ी बात नहीं, हम लोग चलते ये. अब तो जब हमारी लर्निंग स्टार्ट हो गई ना, अब नहीं हम रुकने वाले. तो कहने से कि भैया देखो, अज्यूम इट इज अ सेलिंग, ओके, तो कैसे कि एकदम कॉल राइटर एकदम आगे बढ़ के कॉल बेच रहे हैं. अगर कॉल बेचे तो भैया पूरी बेरिश है. अच्छा, और एक बात रोहित जी, ये 30,000 लॉट is really outrageous. Why I'm saying outrageous? If you go and see an average number of lot traded by Maruti per the call or put side is hardly 500 to 600 lot per day. Yes. Now compare this 600 to 30,000, and that's too much.
है ना? ओके नाउ गो अहेड एंड दैट मींस कि अगर किसी ने इतना बाय भी किया है तो उसके अगेंस्ट कोई ना कोई काउंटर सेलिंग में भी बैठा हुआ है. कितना पैसा राइड कर रहा है So we know one thing at this point, ki there are a lot of money riding on Maruti. Okay, all one has to do is to go and decode whether it's buying or selling. How do you decode buying and selling? Because there are every people have their own way. Okay, so I go by the anticipated volatility. Okay, because I'm an option seller in it. Anticipated volatility. हाँ तो तो मैं एक ऑप्शन सेलर हूँ इंडेक्स का. मेरे लिए सबसे प्रॉब्लमेटिक क्या है, बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी. आई मीन व्हेन आई से वोलेटिलिटी डज नॉट मीन नीचे की ओर. एट टाइम्स मार्केट गोज अप आल्सो एंड एन ऑप्शन सेलर रन्स इनटू ट्रबल. तो आई डोंट एंटीसिपेट यू नो अ लॉट ऑफ आई मीन डोंट लाइक अ लॉट ऑफ वोलेटिलिटी व्हेन आई एम इन द शॉर्ट ऑप्शन पोजीशन. ठीक है, तो नाउ अज्यूम इफ मार्केट इज एंटीसिपेटिंग volatile move in the next coming days. So aapko IV is readily available to everybody. An elevated IV level will tell you, you know, market is looking for a big move. Now jab IV level elevated hai to option selling nahi hota hai, bahut minimal hota hai, because you have to be really daring on to sell an IV. So suppose tomorrow morning is the बट एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे मेरा एक कंफ्यूजन है राजेश जी. जब हाई आईवी होता है तो वॉलेटिलिटी तो बहुत ज्यादा होता है उस केस में, बट एज बट एज एन ऑप्शन सेलर अगर आईवी क्रश होगा तो मुझे बेनिफिट भी तो बहुत जल्दी मिलेगा एज एन ऑप्शन सेलर. सो हियर द फाइन यू हैव टू डू अ फाइन बैलेंस की अमाउंट ऑफ रिस्क आई एम टेकिंग. अज्यूम की आज जैसे सपोज करो यू नो टीसीएस का रिजल्ट है शाम को, है ना, and I know the levels are very elevated, like the IVs are very elevated. I'm getting an option at 100 rupees of ATM, right? What if TCS opens up 10%? तो वो रिस्क अगर आपको लेना है तो ठीक है, फिर तो आपको IV देखने की जरूरत ही नहीं है, है ना, क्योंकि आपको पता है क्रश होगा तो कमा लूंगा मैं. And either you need to have a solid strategy which cannot be only in the call side. It need to be a mix of call and put. अभी इस data से तो हमें नहीं दिख रहा कि भैया a mix of call and put hai. it's one sided positions built. I think I can understand what you are saying. theek hai, aap ye keh rahe ho ki high IV ke andar paisa zyada kamane ka time to zarur hai, but that doesn't necessarily mean ki mera jo risk hai wo usko suit karta hai ki nahi karta hai. Aur yaar dekho abhi theek hai, I agree कि high volatility में आपको थोड़ा सा option के पैसे बहुत ज़्यादा मिलते हैं. 11 के weeks में option पैसे नहीं है, ATM call 200 रुपए बिक रहा है, वो एक है, but it does not suit risk to the user at year high. अब जब मैं इस चीज़ को मैं एक सच्ची बात बताता हूँ, it makes sense to me because I seller in stocks. ठीक है, मैं अपनी hedge strategies करता हूँ and believe me है, it resonates with me. I don't want volatile environment. ठीक है, because अगर प्रीमियम्स बढ़ेंगे तो जो मुझे एक लीनियर थीटा डिके आना है ना, उस थीटा डिके से पहले वो जो एक ताबड़तोड़ ऊपर नीचे होगा ना, दैट विल कॉज अ लॉट ऑफ मेंटल ट्रबल टू मी जब मैं उस पोजीशन को होल्ड कर रहा हूं. तो डे में चलो मान लो कि कोई रिजल्ट अगर डे है और आपको पता है कि मोस्टली 2:30 बजे आता, 2:45 में 2:15 बजे तक आप पोजीशन क्लोज कर दो, बट ओवरनाइट तो आप कुछ TCS की एग्जांपल देख लो, कुछ नहीं कर सकते. इट कैन ओपन गैप अप 10%, गैप डाउन 10%. और कितनी मर्जी स्टॉक लिक्विडिटी हो, अगर ऐसी वोलेटिलिटी में फंस गए तो हो सकता है वहां से लिक्विडिटी ड्राई अप भी हो जाए. रोहित, आई मायसेल्फ हैव लिक्विडिटी तो एक बात है. I think last quarter just before TCS result, nobody would have anticipated. So not TCS, HDFC. Nobody would have anticipated HDFC will open about a big gap down and then it will continue to slide. आपको 100 रुपए
एटीएम ऑप्शंस बेच के मिले होंगे, आप सोचो कितना आपने वापस कर दिए पैसे, आप तो गैप डाउन नहीं खुले हो. सो एंड जब हाई वोलेटिलिटी एंटीसिपेट हो तो यू रियली नीड टू बी अ वेरी वेरी यू नो ब्रेव एनफ टू शॉर्ट ऑप्शंस व्हेन यू एंटीसिपेट द ईयर हाई. तो अभी एक चीज है कि यार कितना आईवी इज टू बी कॉल्ड हाई आईवी, लाइक अगर आप मारुति का एटीएम ऑप्शन आईवी देखो तो 23 इज हाई और 23 इज लो, क्योंकि इसका कोई जवाब नहीं है. इवन 10 कैन बी हाई और 100 कैन बी लो, तो उसका एक ही जवाब है आईवी परसेंटाइल चेक करो, आईवी रैंक्स चेक करो. तो मैं जैसे मैंने आपके लिए मारुति का यू नो ओके लेट्स सी. सो आई सो देयर आर मेनी वेबसाइट्स मोस्टली पेड, बट देन हियर इज वन यू नो आई मीन हाउ आई डोंट नो फ्रीक्वेंसी दे अपडेट, बट देन सो दिस इज द फ्री फॉर नाउ. ओके सो लुक एट दिस परसेंटाइल. एंड रोहित एक और चीज है कि आई लव टू चेक percentile calculation on a 1 year basis. And I'm not sure about these, like, you know, is it a 6 month or 1 year? Mostly it's 1 year. So, if this percentile 97-98, then you know that your today's IV, although it's 23 here, okay, it's 23 here, but then this is at almost, you know, near the year high, like 100 will be the highest IV, then 99 will be second highest. So, this is possibly third or fourth highest IV for the year, right? तो ऐसे केस में आई डोंट आई नॉट बी डेयरिंग एनफ टू शॉर्ट एन ऑप्शन हियर. ठीक है तो रोहित लेट्स कम बैक टू द प्रोसेस नॉट द स्टॉक. आई मीन वी आर एक्चुअली गेटिंग इनटू द स्टॉक डिस्कशन. द प्रोसेस इज टू समराइज द एंटायर ऑप्शन चेन एंड देन आफ्टर समराइजिंग समराइज द change for that. That is much important, or it is more important than you know outstanding open interest. Aur ek cheez rohit isko extrapolate karna padega lot pe. Kyun extrapolate karna padega? Kyunki dekho sometimes let me show you an example why it is important to extrapolate that in terms of lot. Because dekho aap agar ye you know 35 lakh you know 40,600 ka number dekhte wo aapko turant se wo इम्पोर्टेंस या उसका जो इंटेंसिटी है स्ट्राइक नहीं करता. अगर आप अब देखो 20,000 लॉट पुट का तो ये आपको स्ट्राइक करेगा. जब 20,000 लॉट का बहुत बड़ा नंबर है राइट तो हमें सिर्फ ओआई ही नहीं एक जगह आना है. ओआई को एक्सट्रापोलेट दैट बैक इनटू लाइक चेंज को भी जगह आना है और एक्सट्रापोलेट दैट बैक इनटू यू नो लॉट्स. Now, कभी कभी मैं इसको परसेंटेज पे भी गेज करता हूँ. फॉर एग्जाम्पल सी वी आर रीडिंग इनटू अ टीसीएस रिजल्ट. यू नो द कॉल इज 20,000 पुट इज अबाउट 10,000. देयर इज अ क्लीन गैप ऑफ 9,000. बट अगर आप इन टर्म्स ऑफ परसेंट चेंज देखो तो 77,000 और 66,000. सो आई इवन गो बैक एंड सी द व्हाट इज द चेंज ओवर द प्रीवियस क्लोजिंग. ओके और मेरा अब तक का यू नो एक्सपीरियंस ये है कि अगर दोनों ओर सॉलिड ओआई बिल्ट है तो ज्यादा कुछ नहीं होता भैया, क्योंकि कॉल वाले भी अपनी लाइक बेयर भी अपने हाथ अजमा रहे हैं, बुल भी अपने हाथ अजमा रहे हैं. बेसिकली स्ट्रैडल राइट हो रहे हैं वहां पे. हाँ अगर आप कुछ एग्जांपल्स मिलेंगे जहां यू नो यू विल सी एन आउटरेजियस यू नो रेशियो. लेट मी शो यू वन एग्जांपल यू नो तो रेट जी ये देखो एक तो रेट जी व्हाई आई एक्चुअली पुट इट ऑन इन टर्म्स ऑफ यू नो परसेंटेज. तो देखो यहाँ पे एक दो एग्जांपल आपको दिख जाएंगे. तो मारुति अगेन कॉल में 57% और पुट में कुछ परसेंट में हुआ ही नहीं है, जस्ट बी अराउंड 3% ऑफ द पोजिशन बिल्ट. एंड देयर इज वन मोर एग्जांपल एलकेप. सो योर कॉल का ओआई चेंज ओह दिस इज एन आउटरेजियस इज अबाउट 900 लॉट्स 57% ओवर द प्रीवियस डे, बट पुट में तो जस्ट 67 लॉट है राइट और इट इज अबाउट 9%. सो व्हाट आई डू आई प्लॉट total open interest change, extrapolate that to lot and also add a column to see the percentage change. ठीक है? Now अब मेरे पास data आ गया. मेरे पास सिर्फ दो काम है. एक काम ये है कि इसमें कौन से स्टॉक में सीरियस इम्बैलेंस है कॉलर पुट में, क्यों मैं इम्बैलेंस ढूंढ रहा हूं. अब ये टीसीएस की बात करते हैं तो 77% 67% लाइक 20,000 लॉट 29,000 लॉट. तो दोनों अपने अपने हाथ अजमा रहे हैं, बेयर्स में हाथ अजमा रहे हैं, बुल्स में हाथ में जा रहे हैं. तो बहुत क्लियर कुछ पिक्चर नहीं आ रहा है राइट. बट देन इफ यू सी यू नो सम स्टॉक लाइक टाइटन, सो 1800 लॉट्स ऑन द
on the put side and 11,000 lots on the call side. This is an outrageous ratio. Like, you know, every one stock got traded five, like every one put got traded, five call got traded. So if let's see if I translate that into buying or selling. So agar maan lo selling hai, to ek put ke samne paanch call ki selling hai. This is a serious bearish trade, okay, or bearish setup for now, or market has built a bearish position. But agar ye buying hai, to ek put ke samne paanch put ki buying hai. So buying or selling ka ye jo, you know, decoding tha, wo humne IP percentile ka istemal kar liya. Kabhi kabhi roye the ye hota hai ki options are very dirt cheap. I mean, in some cases na, it is not even 2% of the overall price. Like agar aap ek bank stock hai, अगले महीने की एक्सपायरी को भी जाके देखो तो वो 2% ही है टोटल प्राइस का. सो जब आपका ऑप्शन ही 2% मिल रहा, तो आई मीन देयर इज नो, यू नो, इट्स अ लिक्रेटिव एनफ टू शॉर्ट ऑप्शन, राइट? तो भी एक बार देखना पड़ता कि यार, आप सोचो अगर मान लो कि स्टॉक है 1000 रुपए का और ऑप्शन 20 रुपए मिल जा रहा है, तो वो लिक्रेटिव नहीं है, जस्ट नो 2% ऑफ द प्राइस, राइट? तो वो अगर बहुत डर्ट चीप है तो भी ऑप्शन सेलिंग नहीं होता है. तो दो तीन फैक्टर्स है अराउंड दैट. I just go and decode, you know, whether it's selling or buying. तो अभी एक बार, अभी हम लोगों ने पिछले आधे घंटे में जो बात करी उसको मैं समराइज करता हूँ. ऑप्शन चेन को सारे स्ट्राइक्स को ऊपर से नीचे तक सम कर देना है. That's the outstanding open interest. Then we have to sum total the change what happened yesterday, because this is something, you know, getting traded for last 3 months does not make much sense. This make much sense because ये आज हुआ है, आज का sentiment है, आज का position नहीं है. Now ये data जल्दी से intensity बताता नहीं है कि what is the intensity of this data. So we go back and, you know, actually make a convert that into number of lots. So that now you can actually see, you know, अरे यार हाँ, 5,000 lot is big enough. तो पहला काम है डेटा को स्ट्रक्चर करना, दूसरा काम है डेटा में एनोमलीज फाइंड करना. व्हाट काइंड ऑफ एनोमलीज आई लुक फॉर कि यार इंबैलेंस है. टाइटन के केस में देखो बहुत ज्यादा इंबैलेंस है, यू नो, 1:5 का या 6 का जो भी है. तो एनोमलीज ढूंढते हैं और फिर उसके बाद डिकोड करना कि बाइंग है या सेलिंग है, ठीक है रोहित? तो ये तो हुआ यहाँ पे. नाउ इट वर्क्स ऑन अ मेकर चेकर रूल. वी जीरो डाउन टू द स्टॉक बेस्ड ऑन दिस डेटा. नेक्स्ट मॉर्निंग, नो, आई जस्ट गो बैक, पुट इट ऑन माई चार्ट, एंड देन इफ देयर इज no resistance or no support, I mean, depending on short or long options or short or long trade, I execute my trade. ठीक है. अब यहाँ पर रोहित जी, आपके व्यूअर्स के दो तीन चीजें बताना जरूरी है. एक, we are using this option data does not mean they have to trade in options only. We have just built our view, we have just arrived to stock direction using option data. I can even trade cash. So assume I have decided ki Titan is bullish from here. I'm telling assume, I'm not recommending any stock. So I'll go and I can buy 10 quantity Titan. I need not to buy in call option. So we have just used option data. So why have we used? That is another question one can think. Yeah, option data kyun use kiya? Dekho, market mein aap, suppose you are a fund house hai, yeah, then you are a large desk manager, you have just 3 or 4 options to create a position. You can buy in cash market, you can buy in future market, create a strategy through the option route. But in every case, you will at least have a base view, a view ki bullish hai ya bearish hai. So somebody has created a position, we are looking at their position and trying to decode what would have been their view. And remember, this large fund houses, large traders, like, you know, brokerages or international, you know, banks, they are not wrong all the time. They are wrong, right, majority of the time. Or agar aap dekho, yaar 11,000 lot ka trade karne ke liye, to ye, I don't think, few retailers can make it in India. It is position of some large desk, right? Who could be an overseas desk, could be a large trader. Unke paas research solid hota hai. So all we are doing is to find who somebody has created a position, and we go by the fact that such large position cannot be created without a solid research. So let's try to figure out and copy that. Okay? So a retailer, go ahead. Sorry. So मेरे को ये समझ में आ रहा है कि अगर मैं ऑप्शन सेलर हूँ या ऑप्शन बायर हूँ, वो बाद की बात है. मैंने अपने चार्ट्स देखे हुए हैं कि चार्ट्स के ऊपर आई सी दैट द टाइटन इज बेयरिश,
बट मेरी टाइटन के ऊपर एक कन्विक्शन नहीं बन रही कि टाइटन बेरिश है कि नहीं। तो ये यही पे आपको एक मिनट रुकूंगा, फिर आपको बोलने के चालू करना। आपने टाइटन की चार्ट देखी, हाउ डिड यू डिसाइडेड कि मुझे टाइटन का चार्ट देखना है, वो एक सवाल है। या तो आपको सपने में टाइटन का चार्ट देख लो, या आप व्हाट्सएप पे बैठ के किसी के टिप्स का इंतजार करो, या आप किसी के मुंह से सुनो, टीवी में सुनो। बट देन अगर आप ये डेटा थोड़ा सा मेहनत से बना लेते हो, so don't have to depend on someone tips, so you don't have to depend on, no, I mean, you can still follow, I mean, I have a, you know, so हमारे यहाँ भी टीवी चलते रहता है 24 घंटा, तो I do keep looking at you know, news around, so you don't have to actually do a wishful chart study, you have a method now where you have zeroed down to the stock, now अगर आपने ये किया है, इसके बाद आप pattern का chart देखो, तो आपको थोड़ा better visibility मिलेगा, क्योंकि आप पूरे 194, 95 F&O stock का chart नहीं देख सकते हो। किसका चार्ट देखना है, दैट मेक्स इजी। तो ये पहले हमको फिल्टर लगा देता है कि एक तो इस जगह पे फोकस करो, यहाँ पे पैसा आ रहा है। देखो एक चीज समझो, मार्केट में पैसा कब आएगा, जब बहुत सारे लोग ट्रेड कर रहे हैं। अगर बहुत सारे लोग ट्रेड नहीं करते तो स्टॉक में भागता नहीं गिरता है। तो फॉर एन F&O ट्रेडर दे नीड सम काइंड ऑफ मूवमेंट, वोलेटिलिटी इज अ वेरी नेगेटिव कनोटेशन फॉर दैट, बट दे नीड अ डिसेंट मूवमेंट इधर डायरेक्शन, राइट। मूवमेंट कब आएगा, जब बहुत लोग ट्रेड कर रहे हैं, दो लोग ट्रेड कर रहे तो कुछ नहीं होने वाला है। आईटीसी में कुछ साल पहले यही हुआ करता था ना, तो जब हमें पता करना है कहाँ पर लोग फोकस लगा रहे हैं, लोगों ने कहाँ पर सबसे ज्यादा ट्रेड किया है, क्योंकि जहां बड़ा ट्रेड हो रहा है वहां पर मूवमेंट आने की संभावना अधिक है, और बड़ा ट्रेड कहाँ हो रहा है वो इससे हम पता कर सकते हैं। एक काम करते हैं, इसके अंदर आप जरा एक बार टाइटन वाला चार्ट खोलो, जरा एक बार साथ में देख भी लेते हैं कि उसका चार्ट के ऊपर क्या हो रहा है। तो ये चलो ओके अच्छा, जब आप इसके ऊपर ऑप्शन चेन के ऊपर आपने देख लिया कि कोई स्टॉक क्या कर रहा है, फिर उसके बाद आप उसको कौन से टाइम फ्रेम के ऊपर चेक करते हो यार? तो अपने पास थोड़े और डेटा मॉडल्स है, अपने पास थोड़े और डेटा मॉडल्स है, तो उस पे अपन लोग थोड़ा और चेक करते थे। इस फाइल में अगर आप देखो तो नो वी हैव डन सम सेक्टर एनालिसिस, वी हैव डन सम नो सेक्टर के अंदर के स्टॉक एनालिसिस, वी हैव डन सम स्टॉक लेवल, सो लेट्स सी टाइटन लाइक यू नो। तो पहले थोड़ा और चेक कर लेते हैं, लाइक टाइटन हैज ऑन थोड़ा सा वीकनेस बढ़ता दिख रहा है टाइटन में, ठीक है। या एंड देखो ये थोड़ा सा सॉलिड, सो जब वीकनेस बढ़ा तो डिलीवरी भी थोड़े सॉलिड हो रहे हैं इसके। तो पहले ये सब डेटा देख लिया हमने, मैंने एक 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 सो टाइटन है, बुलिश है, बेयरिश है, थोड़े और डेटा कंफर्म किया। उसके बाद चार्ट पे आके मैं अगर मुझसे पूछो तो अगर मुझे मैनुअल ट्रेड लेना तो मैं शुरू के आधे घंटे का ओआरबी चेक करता हूँ। अगर बहुत ही वोलेटाइल मूव है तो छोड़ देता हूँ, बट 9:45 में अगर ओआरबी ठीक ठाक है तो मैं अपना ट्रेड स्टार्ट करता हूँ उसमें, ठीक है। मान लो हमने एक बेयरिश व्यू बनाया, और लेट्स सी टाटा मोटर्स कल का, यू नो ये आपको काफी अच्छा जैसे मान लो मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ आपके साथ, ठीक है, रुकी एग्जाम्पल, एक बिल्कुल न्यू ट्रेडर की तरह, ठीक है। मान लो मैंने अब टाइटन के अंदर आपके चार्ट वहां पे शीट के अंदर देख लिया हुआ है कि एक कॉल के पीछे, एक पुट के पीछे 5 कॉल्स राइट हुई हैं। दैट मींस आवर इनिशियल व्यू इज दैट द मार्केट इज बेयरिश, ठीक है। अगले दिन मैं टाइटन का चार्ट देखने आता हूं, डेली चार्ट्स के ऊपर मुझे लगता है कि वो बेयरिश है। अब सुबह मॉर्निंग में उठ के अगर पहले आधे घंटे के अंदर टाइटन के अंदर कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा मतलब उसकी अगर एक दिन की रेंज 1.5-2% की है एंड इट इज मेकिंग अ रेंज ऑफ लेट्स से 5-7 पॉइंट्स पहले आधे घंटे के अंदर, क्या मैं सिंपली ये कर सकता हूं कि आज के डे लो के ऊपर एक सेल ऑर्डर डाल दूं, स्टॉप लॉस ऑर्डर, और डे हाई के ऊपर एक उसका कवर ऑर्डर रख दूं, एंड ऑफ द डे अगर वो सच में बेरिश है तो आई कैन गेट अ गुड ट्रेड आउट ऑफ इट, कैन आई डू समथिंग लाइक दिस? अरे देखो एक प्रॉब्लम लास्ट एक साल से या थोड़े एक साल दो तीन महीने से हुआ है फॉलो थ्रू का। व्हाट आई मीन बाय फॉलो थ्रू, सो टाइटन मॉल कल बेरिश था, डेटा में भी बेरिश दिख रहा है। Now, not necessarily nowadays we are getting a follow-through of the trend. Like, आज भी bearish हो, वो follow-through मिल ही नहीं रहा। मतलब, out of 10 stock, you are hardly getting 3-4 stock में follow-through trend.
ठीक है, तो द ओनली वे टू डील विद दिस, आप डे लो बोलते हो, हम बोलते हैं कि आधे घंटे का हाई और लो, लाइक ओपन रेंज ब्रेकआउट बोल लो, है ना। तो अगर मेरा बेयरिश ट्रेड है तो आधे घंटे का लो जो भी है, लाइक इनिशियल कैंडल, उसके नीचे ट्रेड करो तब मैं कर दूंगा। तो क्या इट्स अ काइंड ऑफ, पहले आधे घंटे के अंदर इट इज मूविंग इन अ वेरी नैरो रेंज, वेरी नैरो रेंज, उस नैरो रेंज के नीचे में अपना स्टॉक है तो उसको फॉलो थ्रू प्रीवियस डे का नहीं मिल रहा है, इधर प्रीवियस डे बेरिश था तो फॉलो थ्रू नहीं मिल रहा है। अलाउ दिस टू ग्रो द ब्रेक द रेंज, लाइक व्हाटएवर रेंज इट फॉर्मड इन द फर्स्ट हाफ एन आवर 15 मिनट, डिपेंड ऑन योर कंफर्ट जोन, उससे नीचे जाकर भेज देना। बट दैट इज द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक ना, अगर फॉलो थ्रू आ गया फिर मैं एंटर कर गया, अगर फॉलो थ्रू आ गया ठीक है और मैं एंटर कर गया, उस फॉलो थ्रू के ब्रेक फेल होने के चांसेस भी हैं, पर मान लो अगर उसका फॉलो थ्रू नहीं आया ठीक है, I am not taking a trade, but low side के ऊपर मैं stop loss लगा के बैठ गया अपना sell order. अगर वो break किया तो इसका मतलब follow through start हो गया, अब मैं trend में घुस गया हूँ और opposite side उसका stop loss लगा के। That's the execution part रोहित जी, आप execution everyone can decide their risk appetite, comfort of entry exit right. So execution तो बहुत important है आजकल, तो अगर आप देख ही रहे हो, you know people are moving towards more automations, you know. Algorithms. So execution part, yes, you can do that. So सबके अपने अपने execution के अपने 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 you know methods हैं. So even I do that. I just put all on the ORB like algorithm and then leave it. If it is trading below that, I mean system goes and execute a trade. Because every day I prepare about 20 stocks. I don't go and track 20 charts. So I'll my stock list में डाल दूँ, मैं ORB में आता तो execute कर देना भाई. क्योंकि मैंने एक चीज note की है. कई बारी इंट्राडे लेवल के ऊपर जब एंड में ऑप्शन चेन का डाटा बनता है, अगर मार्केट या फिर कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक बहुत ज्यादा नीचे गिरा होगा उस दिन में ठीक है, ऑब्वियसली बात है उसके अंदर पुट अनवाइंडिंग हुई होगी, कॉल राइटिंग हुई होगी ठीक है। अगले दिन कई बारी एकदम से फॉलो थ्रू नहीं आता, अगले दिन वो मार्केट थोड़ा सा सेलर्स को तंग करती है ऊपर जाके, बट उसके अगले दिन से वो नीचे को मूव करना शुरू कर देती है। कई बार ऐसा भी होता है ना कि फॉलो थ्रू हो सकता है दो दिन के बाद आए, अगला बंदा सिर्फ दो दिन से अपनी पोजीशन बिल्डअप कर रहे हैं। वेरी मच सो एक्चुअली स्पीकिंग, ये डेटा बहुत बार मैंने दो तीन दिन के बाद ही नो उसका अच्छा मजा आया है ठीक है, क्योंकि अगर किसी ने हजार लॉट के पोजीशन खड़े किए तो उन्होंने से कि वो हजार मेंड हो जाए, आज भी और हजार लगा ले ठीक है। ठीक है तो रोहित और एक बात है, अगर मुझे ये इजी तरीके में आपके व्यूअर्स को समझाना हो, तो देखो आप जब बैंक जाते हो तो आप समझ कर आपने हजार रुपए अपने अकाउंट में डिपोजिट करने, कैश डिपोजिट, तो जो काउंटर क्लर्क होता है वो पैसे ले लेता है, फिर पीछे किसी को भेजता है, लाइक उसको मेकर बोलते हैं बैंक की भाषा में, चेकर चेक्स दैट एंड देन ही वेरीफाइज और सी वेरीफाइज एंड देन अप्रूव इट टू गेट क्रेडिट इन टू अकाउंट। तो अपन लोगों ने ऑप्शन का डेटा यूज किया है, यू नो जीरो डाउन टू द स्टॉक एंड देन दिस चार्ट इज दैट कलर हु इज वेरीफाइंग लाइक मेकर और चेकर वाले कॉन्सेप्ट है, सो इट हेल्प्स यू टू नलिफाई लॉट ऑफ अनवांटेड यू नो और फेल ट्रेड। अब मेरा एक क्वेश्चन और है आपसे इसके ऊपर ठीक है, बोलिए। हमारे नॉर्मल व्यूअर्स के पास इस चीज को बनाने का तरीका क्या है इस डाटा को, बिकॉज एक भाव कॉपी के अंदर 2-3 लाख के करीब डाटा होता है लाइंस का, हाउ कैन ही मेक दिस डाटा फॉर हिमसेल्फ। और देखो ये डेटा तो बहुत इजी है, वी यूज अ पाइथन प्रोग्राम फॉर दिस, बट अगर आपके व्यूअर्स सिंपल यू नो सिंपल एफएनओ भाव को भी डाउनलोड कर लें ठीक है, देखो तो ये पिवोट टेबल के थ्रू बन सकता है, मैं दिखाता हूँ आपको, मुझे समझा भी दीजिए एक बार। हाँ बिल्कुल समझा दूंगा रोहित जी, ये डेरिवेटिव है डेली रिपोर्ट, अगर आप तो है भाव कॉपी कहाँ है, ये रहा, इसको डाउनलोड कर लो ठीक है।
नहीं ये वाली नहीं है, दूसरे वाली है, ये वाली है, ये वाली है, सीएस सेकंड वाली यार, ये ना एक बार तो जी अपने को पहले देखना ट्विटर में आता क्या है, ठीक है? तो थोड़ा मैंने बड़ा कर दिया, लोगों को समझ में आया। देखो ये ये इंस्ट्रूमेंट है, इंडेक्स स्टॉक ऑप्शन फ्यूचर सारे इंडिकेटर्स का इंस्ट्रूमेंट्स का वो लेबलिंग है। आपके सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं इंक्लूडिंग निफ्टी बैंक निफ्टी, एक्सपायरी कब हो रहा है, दिस एक्स इज फॉर फ्यूचर्स, इफ यू गो डाउन और ये हमारे काम का ये है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट एंड ओपन इंटरेस्ट, क्योंकि हमारा फोकस सारा इस पे है, राइट? तो रोहित आप इसको सिंपल ही एक मिनट मुझे कॉल आ रहा, सॉरी फॉर कोई बात नहीं, मैं इसको यहाँ से एक सिंपल ही पिवट टेबल डाल देंगे, ठीक है? और ये बहुत मुश्किल नहीं है, तो आपने स्ट्राइक को रोज मिला दो, ऑप्शन टाइप को कॉलम मिला दो, ओपन इंटरेस्ट एंड चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ठीक है? और देखो आपके पास क्या आ गया, ओपन इंटरेस्ट आ गया, जो हम अपने फाइल में पहली कॉलम की बात कर रहे थे, ये चेंज आ गया। तो ये कॉल का है, ये पुट का है, ये एक्स एक्स जो है फ्यूचर का है, और ये तो एक्सेल का फीचर है, तो वी विल रिमूव द और वी रिमूव दिस रिमूव ग्रैंड टोटल नाउ, सो नाउ वी गॉट ऑल। नाउ एक काम आपने और करना है, इसमें आपको नंबर ऑफ लॉट लाना है, तो एक क्वेश्चन है जो हमारी भाव कॉपी के अंदर जो इनिशियल डाटा था, रॉ डाटा था, उसके अंदर एक मैंने टेबल देखा था, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट्स। आई थिंक दैट्स अ वॉल्यूम, आई थिंक दैट्स अ वॉल्यूम नंबर ऑफ वॉल्यूम, आई थिंक वो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है वो। एक्चुअली जब से हमने ये पाइथन एप्लीकेशन बनाया है, तो मैंने भी बहुत दिन बाद मैनुअल किया है, तो मेरे ध्यान से उतर गया है, but if it, I don't check, I think it's a volume, but then for our method that's not needed, but then yes, ये सब जब अपन लोगों ने 8-10 साल पहले चालू किया था ये ऑप्शन का डेटा बिल्ड करना, तो उसमें मुझे बहुत याद रहता था, मैनुअली बहुत दिन बात कर रहा हूँ। ऑलराइट, तो देखो आपको ये कॉल के हैं, है ना, आप कहो तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट लिख दो, सी यहाँ सी कॉल का चेंजेस, यहाँ पुट का और फ्यूचर का, ठीक है? तो ये बन गया। अब आपको आपको एक और एफओ भाव कॉपी एफओ लॉट साइज फाइल डाउनलोड करना है, लॉट फाइल, और इसे भी लुकअप कर देना है। गाइस यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हम लोग ये रिकॉर्डिंग कल कर रहे थे, दिस कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और कल हम लोग इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से इसको नहीं कर पाए, एंड देन आई रिक्वेस्टेड राजेश जी कि हमें ये सेशन दोबारा करना है, बिकॉज दिस डाटा एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इस चीज को ध्यान से समझना, इफ यू डोंट हैव मच रिसोर्सेज टू गेट पाइथन कोडिंग, इस तरीके से भी आप अपना डाटा कंपाइल कर सकते हो अपनी एनालिसिस के लिए। तो रोहित जी देखो आपको ना वही डेटा like the lot size file, right? We got it on from the exchange. So now we know one thing, right? तो रोहित जी देखो ये फाइल हमने VLOOKUP से बनाया था, और अभी हमने NAC से you know lot file ला दिया, ठीक है? तो what we can do is to just do a simple you know VLOOKUP. बात है कि VLOOKUP करना कैसे है ना? तो simple आपको देखो NAC का डेटा थोड़ा सा क्लीन डेटा नहीं है, तो NAC के डेटा में स्पेस है, तो स्पेस हम लोग ट्रिम फंक्शन से हटा लेंगे। मैं इसको बंद करके दोबारा दिखाता हूं आपको, ठीक है? तो एनएससी के डेटा में ट्रिम फंक्शन से स्पेसेस हटा लेंगे। तो अब मेरे पास क्या है, स्टॉक लॉट साइज, तो अपन सिंपल यहां आएंगे, ठीक है?
स्टॉक नेम कॉमा विल गो टू दिस और मेरा जो लॉट कॉमा टू बिकॉज डेटा इज अवेलेबल ऑन टू कॉमा जीरो ऑन टू देखो हो गया वो पूरा डेटा यहाँ आ गया ठीक है तो अब हमें क्या करना है कि कल से कॉल में 1,81,000 का चेंजेस हुआ था तो ये कितने लॉट का है तो सिंपल दीस डिवाइड बाय ये कर दो तो आपको मिल गया कि भैया कल तो 181 लॉट का चेंजेस हुए थे है ना यस तो बहुत ही हो गया ना मैंने ऐसा नहीं कि आपको सॉफ्टवेयर चाहिए ही चाहिए है ठीक है तो हो गया रोहित आपका काम है ना तो अब इसके अंदर हम लोग हर तरह की कैलकुलेशंस कर सकते हैं इसके अंदर आप तू जो करना कर लो डेटा बन गया आपका इसको थोड़ा अच्छा से सॉर्ट कर लो तो जैसे ये इंडेक्सेस तो हम ट्रेड करते हैं मतलब इस टॉपिक आज का टॉपिक नहीं तो इंडेक्स की हटा दो आज से तो हो गया आपका तो अभी जो हम लोग वहां पे दिखा रहे थे 29,000 कॉल में और 20,000 पुट में सामने है आपके बिल्कुल है ना मैं यहां पे एक फंक्शन और लगा सकता हूं अगर चाहूं तो मैं टोटल नंबर ऑफ पुट कॉन्ट्रैक्ट्स को डिवाइड कर सकता हूं टोटल नंबर ऑफ कॉल कॉन्ट्रैक्ट के साथ और मुझे ये भी पता चल जाएगा रेशियो मैं डायरेक्टली एक फिल्टर लगा सकता हूं साइड में कि इस बीच के रेशियो के अंदर मुझे स्टॉक्स दिखा दो कौन कौन से हो रहे हैं तो वो हमने अपने एप्लीकेशन में बनाया है अगर आप जाओ तो एक रेशियो का कॉलम है हमारे पास सीपी रेशियो अगर आप देखो तो ये थोड़ा अच्छा ये जो भी स्टॉक है कैनफिन होम तो पूरे दिन में एक लॉट पुट का हुआ है 420 लॉट कॉल का हुआ है ठीक है तो यू एक्चुअली गेट अ यू नो रेशियो व्हिच इज रियली आउटरेंज मैं यही चीज देख रहा था हाँ तो यूपीएल में यू नो 2000 लॉट का कॉल और 13 लॉट का पुट ठीक है तो ये रहा रोहित जी तो दिस इज अ वेरी बेसिक फॉर योर यू नो व्यूअर लिसनर्स and at least this could be a starting point I mean once they are through with this they can you know explore this more and I'm not telling ki aap mera pura idea hi copy kar lo aap is pe apna build kar lo to at least aapko ek data structure ka idea ho gaya hai hamara jo bhi analysis hai usko main ek tarike se compound effect de deta hai exactly yeah so let's say agar main pehle se अपने टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस के ऊपर टाइटन के ऊपर बेरिश चल रहा हूं तो इट जस्ट एड मोर क्रेडिबिलिटी टू इट कि हां बॉस टू तो शॉर्ट है ही है जो बिग प्लेयर्स हैं वो भी शॉर्ट हैं यहां और मान लो आपका ट्रेड नहीं है तो फिर अब आप और ये भैया बड़े लोग तो इसमें शॉर्ट करो तो आप बात कहां जा अभी सेम कर दो हां बट इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉप लॉस नहीं लेना स्टॉप लॉस साथ में रखना अपना ये स्टॉप लॉस है वो तो एग्जीक्यूशन का पीस है वो रिस्क अपेटाइट आपका अपना अपना है मतलब देखो तो या तो आप एक मेथड रखो स्टॉक पे जीरो डाउन होने का बहुत लोग स्कैनर स्क्रीनर बहुत कुछ होते हैं ये भी एक स्कैनर स्क्रीनर की तरह भी यूज करो इट इज मोर डेटा ड्रिवन देन चार्ट ड्रिवन या तो फिर आप उम्मीद करो कोई आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आए तो उस स्टॉक का चार्ट चेक करो उस स्टॉक का फिर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस चेक करो तो यूज दिस एज अ योर फर्स्ट स्टेप टू जीरो डाउन फॉर स्टॉक व्हिच इज इन एक्शन इन द मार्केट मुझे लगता है कि जो मुझे क्या लगता है मतलब जितने भी इंडिकेटर्स वगैरह हम लोग यूज करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर ठीक है जितने भी हम लोग इंडिकेटर्स मार्केट के अंदर यूज करते हैं दे आर बेसिकली लैगिंग इंडिकेटर बिकॉज वो प्राइस के ऊपर बनना शुरू होते हैं ऑप्शन चेन का जो डाटा होता है वो एग्जैक्टली पैसे का डाटा है ठीक है पैसे का इंडिकेटर है कि पैसा कहाँ लग रहा है सो इट इज नॉट अ लैगिंग इंडिकेटर ये एक्चुअल प्रेजेंट बताता है कि प्रेजेंट में क्या होगा देखो हाँ तो पहले पोजीशन बनते हैं फिर भाव भागते हैं बड़े लोगों के तो अपन तब ट्रैक कर रहे जब पोजीशन बन रहे हैं और जब भाव भागते हैं तो इंडिकेटर पाते हैं यस एग्जैक्टली तो अपन तब ट्रैक कर रहे जब बड़े लोग पोजीशन खड़ा कर रहे हैं अपना ओके ठीक है तो रोहित जी दिस इज हाउ वन कैन एक्चुअली स्टार्ट विद स्टॉक ऑप्शंस देयर आर मेनी मॉडल्स यू नो वी हैव बिल्ट लाइक मैंने भी बहुत सारा डेटा भी शेयर किए एक्युमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सारे तो किसी और सेशन में अपन फिर मिलेंगे और उन पे बात करेंगे बट स्टॉक ऑप्शन टू योर व्यूअर कैन स्टार्ट एटलीस्ट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई मीन दिस मेथड बिल्कुल करेंगे बिकॉज यू हैव ट्रेजर ट्रोव्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो मुझे आपसे चाहिए ठीक है वन ऑफ द बेस्ट थिंग अबाउट दिस पॉडकास्ट इज कि मुझे इतना कुछ लर्न करने को मिल रहा है I'm just sad कि मैंने ये चीज पहले क्यों नहीं शुरू की इतनी नॉलेज है ठीक है
ठीक है, जिसको हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं. ठीक है, सो राजेश जी, दिस वॉज वन हेल ऑफ अ सेशन. ठीक है, आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि आपने ये इन्फॉर्मेशन शेयर की कैसे इसको बनाते हैं. पर्सनली आई हैव गेन्ड अ न्यू इनसाइट इन टू हाउ वी कैन लुक एट द ऑप्शन चेन, भाव कॉपी को कैसे बना सकते हैं, एंड भाव कॉपी को बनाने के बाद एक पिवट फंक्शन जो मैंने आज नया लर्न किया है, एंड वी लुकअप फंक्शन जो मैंने लर्न किया है, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू यूज इट. बिकॉज मैं जो टेक्निकल इंडिकेटर्स बनाता हूँ उसके अंदर अगर मेरे 10 स्टॉक्स निकल रहे हैं और 10 के अंदर से 3 स्टॉक्स भी बोल देते हैं कि बॉस ऑप्शन चेन के अंदर भी सेल सिग्नल आ रहा है या बाय सिग्नल आ रहा है इन कंफ्लुएंस विद माय टेक्निकल इंडिकेटर, माय विनिंग प्रोबेबिलिटी जस्ट इंक्रीजेस फ्रॉम 50 to 60-70%, एंड एज अ ट्रेडर मुझे सिर्फ एक वो ही चीज चाहिए. ठीक है, सो आई थिंक दैट्स वेरी गुड इन्फॉर्मेशन. थैंक्स अ लॉट फॉर दिस सेशन. आई विल टैग यू इन द डिस्क्रिप्शन. So when and whenever people post queries, I request you to answer them. Jo mujhse ho payega, main karunga. And be prepared. We are going to do another sessions a lot more with you. So thanks a lot for being here with us on Traders Talk. Thank you, Rohit, for inviting me to your show. I've seen a lot of people coming in, and actually I've learned quite a few things. So thank you. And yes, for the viewer, if you have any questions, you have my Twitter ID. Yeah. Or you can drop me an email. You can tag me on the Twitter as well. I'll put your handle in the description also. So that might be a email, by the way. Yeah. I'll do that. Yeah. Okay. Thank you, Rohit ji. Bye-bye. Bye.